hello everyone welcome to my channel you are watching english study hey everyone it's me Shweta from english study and today we are going to learn 50 daily uses english sentences aaj hum 50 english sentences seekhne ja rahe hain use aap apne daily conversation life mein sakte so if you want to learn stay tuned number 1 मुझे आप पर गर्व है मुझे आप पर गर्व है आई एम प्राउड ऑफ़ यू आई एम प्राउड ऑफ़ यू प्राउड यानी गर्व करना हिचकिचाओ नहीं हिचकिचाओ नहीं डोंट हैजिटेट डोंट हैज़िटेट कोई हर्ज नहीं या फिर आप इसे बोल सकते हैं कोई बात नहीं तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इट डजेंट मैटर इट डजेंट मैटर कोई हर्ज नहीं जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े ले जाना टेक वट एवर यू नीड अब यहाँ पर हमने वट एवर का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर एक तो ये थिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी वस्तु को ले जाना दूसरा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है जो चाहे ले जा सकते हैं तो इसलिए हम वट एवर का यूज़ करेंगे टेक वट एवर यू नीड आप फिजूल परेशान हो रहे हैं यानी आप बेकार में परेशान हो रहे हैं यू आर अननेसेसरली वर्ड यू आर अननेसेसरली वर्ड मुझे इसकी परवाह नहीं आई एम नॉट बदर्ड अबाउट इट यानी आई एम नॉट बदर्ड अबाउट इट मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है ठीक है आई एम नॉट बदर्ड अबाउट इट कोई कठिनाई हो तो पूछिए यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी कोई कठिनाई हो तो पूछिए कैन आस्क मी इफ़ देर इज़ एनी डिफिकल्टी फिक्र की कोई बात नहीं देर इज़ नो नीड टू वरी देर इज नो नीड टू वरी यानी फिक्र की कोई बात नहीं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है देर इज़ नो नीड टू वरी विश्वास रखिए विश्वास रखिए रेस्ट एजर्ड रेस्ट एज बड़े अफसोस की बात है या फिर बड़े दुख की बात है इट्स अ पिटी और इट्स वेरी सैड तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं इट्स अ पिटी और इट्स वेरी सैड उसे साथ बना दो उसे साथ बना दो कंसोल हिम कंसोल हिम ओके नेक्स्ट वी हैव संसार का कुछ ऐसा ही नियम है संसार का कुछ ऐसा ही नियम है दैट्स द वे थिंग्स आर ईश्वर की यही इच्छा थी ईश्वर की यही इच्छा थी इट वॉज गॉड्स विल विल का मतलब होता है इच्छा जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है वट कैंट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड क्योर मतलब इलाज होना और इंडियोर यानी सहना तो वट कैन बी क्योर मस्ट बी इंड्योर जिसका इलाज नहीं हो सकता उसे सहना पड़ता है ईश्वर पर भरोसा रखो संकट टल जाएगा हैव फेथ इन गॉड मिस फॉर्च्यून विल पास हैव फेथ इन गॉड मतलब विश्वास रखना भगवान पर विश्वास रखना मिस फॉर्च्यून दुर्भाग्य संकट जो मैं कहता हूँ उसे लिख लीजिए प्लीज़ पुट डाउन ऑल दैट आई से प्लीज़ पुट डाउन यानी उसे लिख लेना प्लीज़ पुट डाउन ऑल दैट आई से उसने नए साल पर नए कपड़े पहने ही पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स ऑन न्यू ईयर पुट ऑन न्यू क्लॉथ यानी नए कपड़ों को पहनना नेक्स्ट वी हैव वह अपनी योजना पेश करने में हिचकिचाया ही हैजिटेटेड टू पुट फॉरवर्ड हिज प्लान पुट फॉरवर्ड हिज प्लान यानी योजना पेश करना हेजिटेट यानी हिचकिचाना आग को बुझा दो कहीं आस पास फैल ना जाए पुट आउट द फायर लेस्ट इट्स शुड स्प्रेड अराउंड पुट आउट द फायर यानी आग को बुझाना नेक्स्ट अपने धन का घमंड ना करो अपने धन का घमंड ना करो डोंट बी प्राउड ऑफ योर मनी ध्यान रखिए एक तरफ प्राउड का मतलब होता है गर्व करना और एक तरफ घमंड दोनों को यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट यह मैं कैसे कर सकता हूँ हाउ कैन आई डू दिस हाउ कैन आई डू दिस मैं यह कैसे कर सकता हूँ ओके नेक्स्ट वी हैव ऐसी शरारत फिर ना करना ऐसी शरारत फिर ना करना डोंट डू सच मिसचीफ अगेन मिसचीफ यानी शरारत और मिशीवियस शरारती नेक्स्ट दूसरों की आलोचना ना करें दूसरों की आलोचना ना करें डोंट क्रिटिसाइज अदर्स क्रिटिसाइज़ यानी आलोचना करना बुराई करना किसी के साथ रूखा मत बोलो डोंट बी रूड टू एनी वन और डोंट स्पीक हार्शली विद एनी वन ओके किसी का भी यूज़ कर सकते हैं आप गुस्सा मत करो डोंट बी एंग्री और डोंट लूज योर टेम्पर ओके okay? गुस्सा मत करो आप या तो बोल सकते हैं डोंट बी एंग्री और या डोंट लूज योर टेम्पर डोंट लूज योर टेम्पर का अर्थ होता है अपना संयम ना खो लेकिन इसका यूज़ हम कर देते हैं जब हमें बोलना हो कि गुस्सा मत हो डोंट लूज योर टेम्पर और डोंट बी एंग्री किसी को धोखा ना दें किसी को धोखा ना दें डोंट चीट एनी बडी डोंट चीट एनी बड़ी चीट यानी धोखा देना नेक्स्ट वी हैव तुम बेकार में समय बर्बाद करते हो यू जस्ट वेस्ट योर टाइम या तो आप ये कह सकते हैं या फिर यू सिंपली वेस्ट योर टाइम तुम बेकार में समय बर्बाद करते हो नेक्स्ट आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया है वाई हैवेंट यू बिगेन द वर्क येट या फिर वाई हैवन्ट यू स्टार्टड द वर्क येट किसी को भी यूज़ कीजिए बिगन और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना आप मेरी बात को क्यों काटते हो आप मेरी बात को क्यों काटते हो वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी नेक्स्ट मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता आप वापस कब आएंगे वन विल यू गेट बैक वैन विल यू गेट बैक गेट बैक यानि वापस आना आप वापस कब आएंगे ओके नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव वह अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया ही गॉड थ्रू हिज एग्ज़ैमिनेशन आप गॉड थ्रू का यूज़ कर सकते हैं जब आपको बोला हूँ वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया ही गॉड थ्रू हिज एग्ज़ामिनेशन सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है ये तो हम किसी को भी कह सकते हैं इट इज़ अ गुड हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इट इज़ अ गुड हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है हु इज़ नॉकिंग एट द डोर नॉकिंग यानी खटखटाना हु इज़ नॉकिंग एट द डोर मैं ज़रा आराम कर लूँ आई रिलैक्स फॉर अ वाइल आईल रिलैक्स फॉर अवाइल या फिर आई रेस्ट फॉर अवाइल आप किसी का भी यूज़ कीजिए मैं ज़रा आराम कर लूँ तुम बड़ी देर लगा रहे हो तुम बड़ी देर लगा रहे हो यू आर टेकिंग टू लॉन्ग यू आर टेकिंग टू लॉन्ग इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो नेक्स्ट आज कल मेरा हाथ तंग है आई एम हार्ड अप दीज डेज या तो आप ये कह सकते हैं या फिर आई एम टीज डेज ठीक है आज कल मेरा हाथ तंग है नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव मैं बहुत थका हूँ आई एम टेरीबली टायर्ड आई एम टेरेबली टायर्ड टेरेबली टायर्ड का जब हम यूज़ करते हैं तो मतलब होता तर... है हद से ज़्यादा थका होना ओके नेक्स्ट अब जाने का समय हो गया है इट्स टाइम टू डिपार्ट नाउ डिपार्ट यानी जाने का समय एक जगह से अब जाने का समय हो गया इट्स टाइम टू डिपार्ट नाउ अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता आई कैंट वेट एनी लॉन्गर आई कैंट वेट एनी लॉन्गर अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता मैं सुबह का घर से निकला हूँ इसे आप दो तरीके से बना सकती हैं तो आप बोलिए आई हैव बिन आउट ऑफ होम सिंस मॉर्निंग या फिर आई हैव बिन आउट सिंस मॉर्निंग आप खाली आउट का भी यूज़ कर सकते हैं ओके okay? आज मेरी आँख देर से खुली आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग वो कप हमने यूज़ किया है वेकअप की जगह क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट से टेंस है और हमने सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है घर की चीज़ों को ठीक से रखो कीप द हाउस होल्ड थिंग्स इन देयर प्लेस कीप द हाउस होल्ड थिंग्स इन देयर प्लेस घर की चीज़ों को ठीक से रखो हम वहाँ वक्त से पहले पहुँचेंगे वी विल रीच देर बिफोर टाइम विल रीच देर बिफोर टाइम हम वहाँ वक्त से पहले पहुँचेंगे नेक्स्ट वी हैव यहाँ बिस्तर लगा दो मेक द बेड ओवर हेयर मेक द बेड ओवर हेयर मेक द बेड यानी बिस्तर को लगाना यहाँ बिस्तर लगा दो नेक्स्ट तुम्हारी नाक बह रही है तुम्हारी नाक बह रही है योर नोज इज़ रनिंग योर नोज इज़ रनिंग ओके योर नोज इज़ रनिंग का मतलब होता है नाक का बहना तुम्हारी नाक बह रही है इन सज्जन को आपसे कुछ काम है इन सज्जन को आपसे कुछ काम है दिस जेंटल मैन हैव सम वर्क विद यू दिस जेंटल मैन हैव सम वर्क विद यू नेक्स्ट ये जूता बहुत तंग है यह जूता बहुत तंग है द शू इज़ वेरी टाइट द शू इज़ वेरी टाइट यह जूता बहुत तंग है या फिर आप बोल सकते हैं जूता बहुत कड़ा है यह सड़क किधर जाती है वेयर डज दिस रोड लीड टू वेयर डज दिस रोड लीड टू लीड टू यानी कहाँ जाती है ठीक है इसका डेस्टिनेशन क्या है अगला well this is the end of the video if you like then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this